नमस्कार मित्रों, सनातन भारत परिवार के सदस्यों से आज मैं एक पति पत्नी के जोड़े के बारे में बात करने वाली हूँ जिनमें से एक देशद्रोही है, एक धर्मद्रोही है। लेकिन हम भारतवासियों ने, हम अनजान सनातन धर्मियों ने उन्हें इस तरह से अपनी सर आंखों पर बिठा लिया है जैसे कि वो पता नहीं कितने ही बड़े देशभक्त और कितने ही समाज के लिए कितने अच्छे लाभकारी लोग हैं। तो मेरा मन हुआ कि कम से कम उनका जो सत्य है मैं आप तक लेकर आऊं, बाकी जो जनता की इच्छा है वो करे। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी कि उनका जितना अधिकतम बहिष्कार हो सके बहिष्कार कीजिए आप। हाँ, जो मैं देशद्रोही की बात कर रही हूँ, तो 11 जनवरी को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बटालियन 609, जिसमें वो देशद्रोही एक देशभक्त का रोल कर रहा है और हमारे सभी भावुक जनता से हम, और क्योंकि हम लोग हमारी भारतीय आर्मी के प्रति बहुत भावुक हैं, होना भी चाहिए, उन सबसे वाही वाही लूट रहा है। पर मुझे दुख इस बात का है कि एक महान देशभक्त का रोल करने वाला वो इंसान एक महान देशद्रोही है, उसी को एक्सपोज करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसका अकाउंट है ट्विटर पर, जो मैं जिसका मैं नाम ले रही हूँ वो है शोएब इब्राहिम। और उसने ट्विटर पर, क्योंकि वो उस मूवी में कामराज मिश्रा के नाम से है, तो उस नाम से उसका ट्विटर पर अकाउंट भी है। तो फिर अभी हुआ क्या, हाल ही में मैं आपको स्क्रीन पर आपको सबूत भी दे रही हूँ, प्रूफ भी दे रही हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि मैं ऐसे ही बस कोई कलोल कल्पना में बात नहीं कर रही हूँ। आप स्क्रीन पर सबूत देख लीजिए। किसी ने ट्वीट पर, उनके ट्विटर अकाउंट पर, पाकिस्तान से कोई कोई पाकिस्तान से उनकी कोई फैन थी, उसने लिखा उनको कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपने ये पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने ये रोल क्यों किया। तो अब हमारे जो महान देशभक्त हैं शोएब इब्राहिम जी, उनका जवाब सुनिए। पापी पेट का सवाल है, कुछ भी करना पड़ जाता है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देखिए बस, ये हमारे महान देशभक्त ने कहा है। अब वो देशभक्त है, देशद्रोही है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। आप जनता हैं, आप जनता जनार्दन हैं, आप लोकतंत्र हैं, फैसला कीजिए। अब बात आती है उनकी महान जो धार्मिक, जो उनकी जो पत्नी है फैज़ा, जो मूलतः एक हिंदू थी लेकिन अपने आप को कन्वर्ट करके वो मुसलमान के रूप में आ गई है, मुस्लिम बन गई हैं, इस्लाम धर्म अपना लिया है, फैज़ा बन गई हैं। लेकिन हाल ही में वो आई थी बिग बॉस के अंदर। अब मुझे दिक्कत इस बात से है कि उन्होंने दीपिका नाम से अपनी जो पुरानी पहचान जो भी रही होगी उसके नाम से जो जनता है उसको फिर से बेवकूफ़ बनाया और वाही वाही लूटी बिग बॉस के अंदर। और बिग बॉस के अंदर जो खिताब लेकर गई, जीत कर गई जिस तरह से भी, तो इस तरह से हमारी जो भोली जनता है, भावुक जनता है, उनको इस तरह से ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बस मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगी कि ऐसे लोगों का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। मैं ऐसे ही अपने चैनल पर, सनातन भारत पर, जो भी लोग हमारे देश के विद्रोही हैं, विरोधी हैं, और जो भी हमारे धर्म के जो विरुद्ध हैं, मैं उन सबको इसी तरह से एक्सपोज करती जा रही हूँ एक एक करके। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि इनको बहिष्कार कीजिए। बस ये जो आपने देख लिया बटालियन वाला, यहाँ पर इतना ही रखिए, इस मूवी को देखने कोई भी ना जाए। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री राम।